पैराशूट में छेद क्यों होता है? इसके दो तीन कारण हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सबसे पहले पैराशूट बनाए गए तो उनमें छेद नहीं होता था, वो एकदम वैसे छाते की तरह होते थे जैसे बारिश के छाते होते हैं। इसके वजह से दो खतरे पैदा होने लगा। पहला खतरा तो उस जबरदस्त झटके का था जब पैराशूट खुलते ही लगता है। आसमान से कूदने के फौरन बाद पैराशूट नहीं खुलता है, धरती की तरफ बढ़ते हुए उसकी गति तेज होती जाती है। जैसे ही पैराशूट खुलता है उसे झटका लगता है, इससे हड्डी तक टूटने का डर रहता है। दूसरा खतरा था नीचे गिरते समय पैराशूट का पेंडुलम की तरह डोलना। इससे होता यह था कि कई बार पैराशूट इतना घूम जाता था जैसे छतरी पलट जाती है, उसमें भरी हवा निकल जाती थी और पैराशूट की शक्ल बिगड़ जाती थी। इसके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा होता था। इन खतरों को अवॉइड करने के लिए ही पैराशूट में वेंटिलेटर छेद बनाए गए जिनसे होकर हवा निकलती रहती है और पैराशूट न तो झटका देता है और न ही पेंडुलम की तरह घूमता है। इसके अलावा छेद की वजह से पैराशूट खुलने में भी आसानी होती है।